हल्द्वानी मुखानी थाना क्षेत्र से घर में खाना खाने के बाद घूमने निकले एलएलबी के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र की उसी के कार में बुधवार को लाश मिली, जहां लाश को सबसे पहले उसी की महिला मित्र ने देखा। इसके बाद महिला मित्र ने उसके परिजनों को सूचना दी। वहीं मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगी। मुखानी पुलिस ने भी अब अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से चंपावत पिथौरागढ़ निवासी 23 साल के पार सिंह सामंत मुखानी थाना क्षेत्र के बच्ची नगर कटकरिया मुखानी में अपनी मां गीता और बहन के साथ रहते थे। पार्थ की मां ने बताया कि पार्थ नैनीताल में एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का छात्र था। मंगलवार की रात पार्थ ने खाना खाया और कहा कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है और एक घंटे में लौटेगा, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटा। तो मां ने रात में फोन किया तो कुछ देर में घर पहुंचने की बात कही और इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक की एक महिला मित्र मुखानी चौराहे के पास रहती है। सुबह जब उसे भी पार्थ का फोन स्विच ऑफ मिला तो उसने पार्थ के दोस्तों को फोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर उसने खुद तलाश शुरू कर दी, जहां कुछ देर बाद बुधवार को आरके टेंट हाउस के पास उसे पार्थ की कार दिखाई दी, जहां उसने देखा कि पार्थ सीट खोलकर पूरी तरह लेटा हुआ था और कार के दरवाजे भी लॉक नहीं थे। उसने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा, तो महिला मित्र ने पार्थ के परिजनों को सूचना दी। वहीं परिजन मौके पर पहुंचे और आनंद फानन में एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने पार्थ को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।